to never miss a video from testbook.com. गुड आफ्टरनून ऑल, स्वागत है आप सभी का testbook.com के ऑफिशियल चैनल पर। मैं ऋतुराज अवस्थी, और आज का सेशन शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखो, हमें अपने संघर्ष करने की जो कैपेसिटी है उसे बढ़ानी है, संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाना है, और सफलता मिलना तो तय है, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी ही। ठीक है, वो आपका पूरी तरीके से अगर मेहनत आप तमन्ना से कर रहे हैं, अपनी पूरी ईमानदारी से, तो वो मिलेगी ही। ओके, सो गुड आफ्टरनून सभी का स्वागत है। जुड़ गए हैं सभी लोग यहाँ पर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, और एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप एक ये आइडिया लगा सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर में, मतलब एक जो पेपर का पैटर्न है, पैटर्न एंड ऑल, वो कैसे होते हैं, मतलब किस लेवल तक क्वेश्चन जाता है। हालांकि अगर हम एनडीए की बात करें तो नेशनल एनडीए का जो एग्जाम है यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन तो आपके आते ही है। तो ठीक है, फिलहाल हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गुड आफ्टरनून, सभी लोग यहाँ पर रेडी हैं। तो पहला क्वेश्चन, आज मैंने सिर्फ 20 ही क्वेश्चन रखे हैं, टुडे आई हैव ओनली 20 क्वेश्चन, और ये 20 क्वेश्चन में अगर आपने 15 क्वेश्चन का आंसर कर दिया तो एट द एंड ऑफ द क्लास आपको डिजिटल चॉकलेट मैं खिलाऊंगा। ओके, सो यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए चैलेंज है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना डिजिटल चॉकलेट अगर खाना है एट द एंड ऑफ द सेशन, तो 20 में से 15 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और यहाँ पर पूनम जी कह रही हैं, हौसले जिंदगी के देखते हैं, चलो कुछ रोज जी के देखते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ रोज नहीं, हमेशा जीना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपने जी लिया वो दिन वो लाइफ में अपने दिन कहलाएगा, अदरवाइज एक सिंपल सी डेट होगी जो हमेशा की तरह क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, सो गुड आफ्टरनून, चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल बेस्ड ऑन गांधी जी फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह इन्वॉल्व द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। गांधी जी के सत्याग्रह के दर्शन शास्त्र पर आधारित निम्न संघर्षों में से किसमें औद्योगिक मजदूर वर्ग शामिल था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद और बारदोली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुई थी, आप सभी को पता है 1917 में इस मूवमेंट को मतलब लिया गया था, 1917 में गांधी जी के द्वारा श्रमिकों की वेतन वृद्धि की मांग थी। जो किसान वगैरह थे वो अपना 50% वेतन बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन जो मिल के ऑनर्स थे वो बोनस वापस लेना चाह रहे थे, और सिर्फ जो सैलरी में इंक्रीमेंट कितना दे रहे थे, 20%, 20% की ही बढ़त दे रहे थे। बट वहां पर गांधी जी ने फिर क्या किया था कि भूख हड़ताल पर चले गए थे, और सबसे लास्ट में श्रमिकों को 35% सैलरी में हाइक मिला था। और ये जो उनका विरोध अगर देखोगे तो गांधी जी वैसे ही अहिंसक प्रवृत्ति के थे, वो हिंसा पर बिलीव नहीं करते थे, अहिंसावादी थे। और राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा, और पहली बार गांधी जी ने यहाँ पर हंगर स्ट्राइक किया था, भूख हड़ताल करी थी। ये जो प्रोटेस्ट था, गांधी जी देखो अहिंसावादी थे, इवन जो गांधी जयंती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन वायलेंस डे के तौर पर मनाते हैं, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा पर भरोसा नहीं करते थे। गुड आफ्टरनून फारूक हसन जी कह रहे हैं, इंडिगो फार्मर के चंपारण था, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का अहमदाबाद था। यस, इवन मैंने ट्रिक भी दिया था मोनी जी, आज थ्योरी प्रीवियसर क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, आज के क्वेश्चन का लेबल थोड़ा नहीं, मतलब थोड़ा अजब, मतलब एक लेबल्ड है, इसलिए मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं, 20 में से आपको 15 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, और आपको सबसे लास्ट में मिलेगी डिजिटल चॉकलेट। तो देखते हैं भाई कौन यहाँ पर 15 क्वेश्चन आंसर कर पाता है। ये क्वेश्चन समझ आया है सभी को, राइट आंसर इसका हो जाएगा अहमदाबाद। चंपारण की बात करोगे तो जो किसान हुआ करते थे ना, तो किसान आपके इंडिगो नील की खेती, और जो प्लेग पीड़ित किसान आबादी को कर को समाप्त करना चाह रहे थे, उसके बाद फिर आप देखोगे तो जो बारदोली सत्याग्रह था यहाँ पर, तो बारदोली सत्याग्रह जो बढ़े हुए करों को दूर करने, जो टैक्सेस वगैरह इंक्रीज किए गए थे उनके रिमूव करने से रिलेटेड था। आईबीपीएस क्लर्क क्लियर हो गया है इन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, वेरी गुड कुंदन सिंह जी, बहुत बहुत बधाइयां आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और
वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा, देखो एक अचीवमेंट है। और वैसे भी आज यहाँ पर देखो बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं, जो आपका इंश्योरेंस वाला है, इंश्योरेंस के अलावा आईबीपीएस वगैरह इन सब के भी रिजल्ट आज डिक्लेयर होने वाले हैं। तो जितने लोगों ने फॉर्म भरा है बिल्कुल उसको चेक करिएगा। थ्योरी इसका हो चुका है मोनी जी, थ्योरी पढ़ाएंगे करवाएंगे, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द, जिनको क्या बोला जाता है, किसके, वीर सेव ट्रेडिशन ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का जो वीर सेव ट्रेडिशन है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वो दिए गए हैं, उन्हें कंसीडर करना है आपको। और उन्हें जब आपको कंसीडर करना है तो क्या क्या दिया गया है, जैसे सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है, द वीर सेव मूवमेंट वॉज लेड बाई द ब्राह्मणा नेम्ड, जिनका नाम क्या था, ब्राह्मण का वसवन्ना, वसवन्ना नामक ब्राह्मण ने उसको लीड किया था। मिनिस्टर हुआ करते थे कोर्ट ऑफ द कल्चरी रूलर इन द 12th century। बीरसेव आंदोलन का नेतृत्व 12वीं शताब्दी में कल्चरी शासक के दरबार में मंत्री वसवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। द वीरसेव इनकरेज प्रैक्टिस अप्रूव्ड बाई द धर्मशास्त्र लाइक पोइट प्यूबर्टी मैरिजेस एंड रीमैरिज ऑफ द विडोज। वीरश्याओं ने धर्मशास्त्रों के अनुसार अनुमोदित प्रथाओं को प्रोत्साहित किया था, जैसे कि दस्तरण अवस्था के बाद विवाह और विधवा पुनर्विवाह। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। उपरोक्त दिए गए प्रश्नों में कौन सा जो प्रश्न है वो सही है ये आपको बताना है। ओके सो कौन सा प्रश्न सही है ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। एक नई मूवमेंट हुआ करती थी बसवना के रिगार्डिंग, 12th century की बात है, 12वीं सदी की बात है। और जो प्रीवियसली आपके जैन मिनिस्टर हुआ करते थे चालुक्य किंग के कोर्ट पर, ठीक है। इसका सही उत्तर देखेंगे, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा बोथ वन एंड टू, दोनों यहां पर करेक्ट हैं। कल्चुरी राजवंश जो थे तो इनके जो राजा बिज्जल प्रथम ने शाही खजाना जो हुआ करता था, रॉयल ट्रेजरी जिसे कहा करते थे, तो इसके प्रशासक के रूप में कार्य किया था। और उनके जो अनुयायी थे, अनुयायियों को वीरश्याओं का मतलब होता है शिव के नायक या लिंगायक, मतलब लिंग के पहनने वाले, इसके रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो जातिगत प्रदूषण के विचार थे इनके, जो कास्ट पोल्यूशन के विचार थे, साथ ही साथ रिवर्थ का सिद्धांत पर भी इन्होंने क्या किया था, सवाल उठाया था। जो पुनर रिवर्थ का मतलब होता है वापस से जन्म लेना, पुनर्जन्म, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना, उनकी परंपरा में जो वचन थे, शाब्दिक कथन थे, उनसे ली गई थी, ठीक है। जो यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस, बिल्कुल वेरी गुड, सभी लोगों ने, जितने लोगों ने यहाँ पर बोथ आंसर किया है सबका सही है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है आपसे यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेटेड स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वेलेसली एडमिनिस्ट्रेशन। वेलेसली के प्रशासन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन द 6th year ऑफ वेलेसली एडमिनिस्ट्रेशन द आर्मी अकाउंटेड फॉर 42.5% ऑफ द कंपनीज टोटल एक्सपेंडिचर। वेलेसली के प्रशासन के 6 वर्षों में सेना के पास कंपनी के कुल खर्च का 42.5% था। वेलेसली एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स वर restricted to the affair of the companies and had nothing to do with the commercial and military affair of the Indian ruling families. वेलेसली के प्रशासनिक उपाय कंपनी के मामलों तक ही सीमित थे और भारतीय सत्ताधारी परिवारों के वाणिज्यिक और सैन्य मामलों में से कोई लेना देना नहीं था। Which of the above statement is correct? ऊपर जो statement दिया गया है उनमें से कौन सा सही है? One, two, both one and two. यहां पर देखो वेलेसली के बारे में बोला गया है, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, नीदर वन नॉर टू, ना तो एक ना ही दो, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट गलत सही नहीं है, गलत है दोनों स्टेटमेंट। पहला जो आपसे स्टेटमेंट दिया गया है इसमें बोला गया है आपके वेलेसली के प्रशासन के 6 वर्षों से सेना के पास कंपनी के कुल खर्च का 42.5% था, तो ऐसा नहीं था, यह भी आपका गलत है। दूसरा जो सेकंड स्टेटमेंट में दिया है कि वेलेसली के प्रशासनिक उपाय कंपनी के मामलों तक ही सीमित थे और भारतीय सत्ताधारी परिवारों के वाणिज्यिक और सैन्य मामलों में से कोई लेना देना नहीं था,
तो जो सेकंड अगर देखोगे तो लॉर्ड वेलेजली ने इन्वेंट करा था एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल रॉयल फैमिलीज के उसके सब्सिडरी अलायंसेस के द्वारा। सब्सिडरी अलायंसेस जिसको सहायक संगठन या सहायक गठबंधन कहा जाता था उनके द्वारा, और सहायक गठबंधन यहां पर क्या था आपका कि सब्सिडरी अलायंस वेलेजली के द्वारा लगाया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि भाई कोई भी अगर प्रिंस है राजा है उसको अपनी टेरिटरी के अंदर ब्रिटिश सैनिकों को रखना पड़ेगा, और जो ब्रिटिश सैनिक रहेंगे उनकी सैलरी उन्हें खुद से देनी पड़ेगी, सैलरी के अलावा जो सारे के सारे काम है वो उन्हें करने पड़ेंगे, है ना। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपसे यहां पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रशियन रेवोल्यूशन। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, जो आपको यहां पर बताना है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो कंसीडर करना है स्टेटमेंट को रशियन रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग। ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके सामने, पहला जो स्टेटमेंट है वोल्सेविको का मानना था कि जॉरिस्ट रूप जैसे दमनकारी समाज में पार्टी को अनुशासित होना चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या को नियंत्रित करना चाहिए। द वोल्सेविक बिलीव दैट इन अ रिस्पेक्ट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक सेरेट रसिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर ऑफ इट्स मेंबर। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, मेंसोविको का मानना था कि पार्टी को सभी के लिए जर्मनी में खोला जाना चाहिए। द मेंसविक बिलीव दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल इन जर्मनी, जैसे जर्मनी में था। विच स्टेटमेंट ऑफ द अबव इज आर करेक्ट। अबव में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आपको बताना है। इसका ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। सही उत्तर आप देखेंगे तो इसका बोथ वन एंड टू हो जाएगा, दोनों यहां पर क्या है इसके सही है। जहां पर अगर आप बात करोगे वोल्सिको का, तो वोल्सिको ये आपके कंसिडर किए जाते हैं लीडर ऑफ लेनिन, ठीक है। इनको क्या कंसिडर करा जाता है, लीडर ऑफ लेनिन के तौर पर कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल नीरज जी, फर्स्ट टाइम लिसनिंग, ये क्वेश्चन जो है ना एनडीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम लिसनिंग कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इनको सुन रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, पूछा गया है आपसे यहाँ पर देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय था। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरसी दत्त और सुभाष चंद्र बोस। कौन सा व्यक्ति है यहां पर आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्वालिफाई करने वाले क्या थे आपके पहले व्यक्ति थे सिविल सर्विसेस को। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा गया था आपसे कि भारतीय सिविल सेवा के लिए क्वालिफाई होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और यहां पर इन्होंने आपका जो है ना, तो पहली परीक्षा लंदन में 1855 में आयोजित जब की गई थी, तो एक और भारतीय परीक्षा देने के लिए वहां पर जो थे नहीं गया था। तो यहां पर अगर देखोगे तो आपका जो सत्येंद्रनाथ टैगोर साहब है, 1863 में इन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में प्राप्त करने वाले पहले बने थे, और कैडर के रूप में इनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो आवंटित करी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। ऑप्शन है आपके सामने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे ये आपको बताना है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में। पहले प्रधानमंत्री सभी को पता होगा ना, जवाहरलाल नेहरू जी थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे यहां पर, जवाहरलाल नेहरू जी थे। बट अगर यहां पर आप देखोगे तो जो 14 मंत्रियों की बात करी गई है, तो इसमें से आपका बताना है आपको कि राइट आंसर क्या होगा। सही उत्तर इसका देखेंगे तो हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अजबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले शिक्षा मंत्री थे,
और एजुकेशन मिनिस्टर की बात करी जा रही है, फर्स्ट कैबिनेट जो थी इंडिपेंडेंट इंडिया की उसके नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वहां पर क्या बने थे, उसके प्राइम मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन के और जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के। और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, राजेंद्र प्रसाद जी फूड और एग्रीकल्चर में थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन मिनिस्टर थे, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे और श्री जगजीवन राम यहाँ पर थे आपके लेबर मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू दयानंद आइडिया ऑफ सोशल रिफॉर्म। दयानंद जो है दयानंद के सामाजिक सुधार के विचार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला आपसे बोला गया है दयानंद रिफॉर्म इन डेट, दयानंद रोबस्ट वैदिक काउंटर पार्ट चैलेंज द मैस्कुलाइन वेस्ट एंड वेस्ट द हेड इंस्लेव एंड आर्यावर्त। दयानंद के सुधार ने एक सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की है जहां विभिन्न जातियों ने योग्यता द्वारा निर्धारित अपनी स्थिति के लिए उपयुक्त कार्य किए हैं। दयानंद के मजबूत वैदिक समकक्ष ने शक्तिशाली पश्चिम को चुनौती दी जिसने आर्यावर्त को गुलाम बना लिया था। इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, विच स्टेटमेंट ऑफ द अबव इज ट्रू। ओके, तो इसका सही उत्तर देखेंगे, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ओनली टू, केवल दूसरा वाला जो है ये आपका क्या है, सही है। मतलब दयानंद के मजबूत वैदिक समकक्ष ने शक्तिशाली पश्चिम को चुनौती दी और जिसने आर्यावर्त को गुलाम बना दिया था। दयानंद रोबस्ट वैदिक काउंटर पार्ट चैलेंज द मैस्कुलाइन वेस्ट दैट हैड इंस्लेव द आर्यावर्त, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं अगर, तो ये भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ थे और उनका मानना था कि मूर्ति पूजा हुआ, अनटचेबिलिटी हुआ, कास्ट सिस्टम हुआ, वेदों में जो निहित मूल्य है उनके खिलाफ है। वो जाति मुक्त समाज की स्थापना करना चाह रहे थे, इसलिए पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट। जबकि आप यहाँ पर देखोगे तो उनकी पूरी शिक्षा पूरी होने के बाद उनका एक मिशन सच्ची हिंदू संस्कृति और धर्म का प्रसार करना था, जिसके लिए वो पूरी तरीके से वेदों पर निर्भर थे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, आर्य समाज को बनाया था 10 अप्रैल 1875 को, 10 अप्रैल 1875 को उनके द्वारा आर्य समाज की जो है ना निर्माण करा गया था, स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इज़राह सिस्टम। इज़राह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इट वॉज अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग, वह राजस्व खेती की एक प्रणाली थी, इट इनकरेज द रोल ऑफ मिडिलमैन, इसने बिचौलियों की भूमिका को प्रोत्साहित किया था, अंडर दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड फॉर द पीजेंट, इस प्रणाली के तहत किसानों के लिए भू राजस्व तय किया गया था, इजारादारी पेड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टू द स्टेट ट्रेजरी, इजारादारी ने राज्य के खजाने में एक निश्चित राशि का भुगतान किया था। तो इसका आंसर बताना है क्या रहेगा, देखो ये जो इराजदेरी सिस्टम की बात करोगे तो पहले इसके बारे में जान लो, 1773 में सिस्टम को बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स ने पेश किया था। इसके तहत अगर देखोगे तो जो लैंड टेन्यूर था, फर्स्ट टाइम जो इंडिया था, फर्स्ट टाइम भारत में था, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू वॉज ऑक्शन टू द हाइजेस्ट बिडर, राजस्व एकत्र करने का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को नीलाम किया गया था। ठीक है, किसानों व्यापारियों और दुकानदारों को इजारेदार को अपना किराया देना था। ठीक है, 1793 में कार्नवालिस कोड के तहत फिर स्थायी निपटान, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करा गया था और उससे पहले यहां पर ये इजारेदारी चला करता था। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, अंडर दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स फॉर द पीजेंट, किसानों के लिए जो भू राजस्व है तय किया गया था वो इस प्रणाली के तहत क्या था आपका, सेम था।
फिक्स था। ओके सो नाउ देखो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर लेवल आप देख रहे हैं एनडीए का, ये पर्टिकुलर लेवल के अगर क्वेश्चंस और थ्योरी वगैरह आपको पढ़नी है तो बैच आपके लिए एक है कंप्लीट एनडीए लाइव कोचिंग, जहां पर आपको 240 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, और 240 प्लस लाइव क्लासेस के बाद आप देखो तो 6000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 130 प्लस पीडीएफ कैप्सूल मिलेंगे, एग्जाम क्वालिफाइड कोच रहेगा जो आपको थ्रू आउट द एग्जाम हेल्प करेगा। एक ऑफर और चल रहा है जिसे बोला गया लीड द बोर्ड कॉन्टेस्ट, लिनोवो आईडी पैड, रेडमी 9 प्रो, गैलेक्सी टैब और बोट ब्लूटूथ ईयरफोन जीतने का मौका है आप सभी के लिए। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के साथ ऑफिशियल वेबसाइट में भी। टेस्ट बुक आपके लिए लेकर के आया फ्लैश सेल ईयरली टेस्ट बुक पास, जिसमें आप 100 प्लस प्रीमियर कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं, 500 प्लस टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं एट जस्ट ₹399। वन पास फॉर 100 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स, जिसमें आपको मिलेंगे 100 से भी ज्यादा कोर्सेज, 3500 प्लस मॉक टेस्ट, 500 से भी ज्यादा पीडीएफ स्टडी नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ ₹149 में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पूछा गया है आपसे यहाँ पर ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट नेशनल कॉलेज वॉज स्टार्टेड इन कलकत्ता अंडर द प्रिंसिपलशिप ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, अरबिंदो घोष, रजनीकांत सेन, सैयद अबू मोहम्मद, किसके उसमें किया गया था यह आपको बताना है। जो बंगाल नेशनल कॉलेज, यहां पर आप सभी को पता होगा बंगाल नेशनल कॉलेज, ये 14 अगस्त 1906 को स्टेबल हुआ था स्वदेशी मूवमेंट के तहत, जो स्टार्ट हुई थी किनके द्वारा, अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल बने थे इस पर्टिकुलर कॉलेज के, और जो यहाँ पर ये अगर प्रोग्राम देखेंगे तो फोर फोल्ड प्रोग्राम था, और जहां पर न्यू नेशनलिस्ट पार्टी जो एक्सट्रीमिस्ट वगैरह थे उनसे, देखो बायकॉट जो था तो फॉरेन स्कूल्स का, कॉलेजेस का, गुड्स का, ये रिजल्ट था आपका स्वदेशी मूवमेंट का, मतलब जो देसी अपनाओ और विदेशी को क्या करो भगाओ। और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था ये अनाउंस करा गया था किसके द्वारा, इस समय पर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर द रुइंस ऑफ विजयनगर हम्पी जिसे बोला गया वर ब्रॉट टू पब्लिक लाइट इन द ईयर 1800 बाय द फॉलोइंग ब्रिटिश सर्वेयर एंड इंजीनियर। विजयनगर हम्पी के खंडहरों को वर्ष 1800 में निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सर्वेक्षर और इंजीनियर द्वारा सार्वजनिक प्रकाश में लाया गया था, जेम्स प्रिंसेप, कॉलिन मैकेंजी, जेम्स रेनेल और चार्ल्स मेटकाफ। देखो यहां पर आपको चैट बॉक्स में एनडीए का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आ रहा है, तो आप एनडीए का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इसका सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलिन मैकेंजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप यहां पर क्या करेंगे कि भाई जो विजयनगर या हम्पी के खंडहरों को वर्ष 1800 में किस ब्रिटिश सर्वेक्षक और इंजीनियर के द्वारा सार्वजनिक प्रकाश में लाया गया था, तो कॉलिन मैकेंजी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यहां पर आप जब जेम्स प्रिंसेप की बात करोगे तो जो जेम्स प्रिंसेप है ये आपका किससे डील करते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जेम्स प्रिंसेप किससे रिलेटेड है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से आपके रिलेटेड है जेम्स प्रिंसेप साहब। जेम्स रेनेल की बात करोगे तो एक अंग्रेजी भूगोलवेत्ता थे, मतलब एक जो जेम्स रेनेल हैं ये कहां से बिलोंग करते थे, इंग्लिश जियोग्राफर थे जिनको जाना जाता था कंस्ट्रक्टिंग द फर्स्ट एक्यूरेट मैप ऑफ इंडिया, भारत का पहला एक्यूरेट मैप बनाने के लिए। चार्ल्स मेटकाफ सक्सेसर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के और जाने जाते थे एज द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में इनको जाना जाता था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया है आपसे विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ थर्ड कोलिशन अगेंस्ट नेपोलियन, निम्नलिखित में से कौन सा देश नेपोलियन के खिलाफ तीसरे गठबंधन का हिस्सा नहीं था, रसिया, प्रसिया, स्वीडन और फ्रांस।
ये क्वेश्चन मोनी जी आपको जैसे पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ, पीएससी हुआ, पीएससी के अलावा जो आपके एग्जाम होते हैं लाइक एनडीए हुआ, डिफेंस के एफकेट हुआ, डीआरडीओ, हालांकि डीआरडीओ तो नॉर्मल एग्जाम होता है, आपकी यूपीएससी वगैरह के एग्जाम हुए, यूपीएससी ईपीएफ वगैरह, सीडीएस का एग्जाम हुआ, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन में पाए जाते हैं, इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनका लेवल थोड़ा सा अबव है, आई नो बहुत सारे लोग यहाँ पर लड़खड़ा रहे इनको आंसर करने में, देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली। इसका सही उत्तर देखोगे तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रांस, फ्रांस इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रसिया नहीं होगा। जो थर्ड कोलेशन था, जहां पर अगर आप देखोगे तो जो तीसरे गठबंधन में, थर्ड गठबंधन में आपका कौन नहीं था, फ्रांस पार्ट ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। पहले जो दो कोलेशन थे 1793 से 97, 1793 से 97 सेकेंड जो था वो आपका 1799 से लेकर के 1801, यहां पर अगर देखोगे तो अनेबल टू डिफीट द फ्रांच एक्सपेंशन, पहले दो गठबंधन फ्रांसीसी विस्तार को पराजय करने में असमर्थ थे, असमर्थ थे। इनफैक्ट अगर ब्रिटेन के नेतृत्व में जो तीसरा गठबंधन नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस के साथ सीधे संघर्ष में था, और इसके बाद अगर देखो तो 1802 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन शांति संधि जो थी लंबे समय तक नहीं चली थी, और वो तीसरे गठबंधन का जो गठन हुआ था यूरोप में फ्रांस के द्वारा की गई निरंतर सैन्य विजय समाप्त करने के लिए किया गया था, और तीसरे गठबंधन में ब्रिटेन ब्रिटेन रूस प्रशिया ब्रिटेन था रूस प्रशिया स्वीडन और ऑस्ट्रिया, इन देशों के बीच में आपका जो थर्ड गठबंधन है ये हुआ था। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है आपसे, देखो द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ अगस्त 25, 1857 स्ट्रेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज, 25 अगस्त 1857 के आजमगढ़ उद्घोषणा ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर जोर दिया था, हिंदू मुस्लिम डिवाइड, सपोर्ट टू इंग्लिश गवर्नमेंट, द रिटर्न ऑफ द बादशाही, द इम्पोजिशन ऑफ हैवी जुमास, जुमास जो आपके रेवेन्यू डिमांड हुआ करते थे वो कहलाते थे, तो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं इसका यहां पर क्या होगा, रिटर्न ऑफ बादशाही, बादशाही की वापसी, बिल्कुल यहां पर देखो सही उत्तर है, बिल्कुल राइट आंसर है सिद्धार्थ जी, बादशाही की वापसी जिसे कहा गया। 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा बहादुर शाह जफर के नाम से की गई थी, उद्घोषणा में अंग्रेजी लोगों के अत्याचार और उत्पीड़न की निंदा थी, अंग्रेजी लोगों के जो अत्याचार थे और उनके द्वारा जो उत्पीड़न किया जाता था उसकी यहाँ पर बहुत ज्यादा निंदा करी गई थी। इसके अलावा एक घोषणा पत्र भी लाया गया था जिसमें प्रभावशाली जो तिमाहियों का समर्थन जीतने की मांग की गई थी, इसमें देखो तो विभिन्न वादे थे जिनमें जमींदारी अधिकार, सैनिकों के लिए बहुत जो अट्रैक्टिव सैलरी, मुफ्त या भारत में जो दस्तकर थे उनके सरकारी जहाजों का उपयोग शामिल था, जबकि उद्घोषणा में जो हिंदू मुस्लिम के बारे में बात की गई थी इसने उन ईसाई मिशनरियों के खिलाफ एकता का आह्वान किया था जो भारत में अपने धर्म से लोगों को बदलने के लिए पहुंचे थे। तो यहां पर जो विकल्प 3 है ये यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, मुद्दे पर जोर दिया गया था तो सही उत्तर हो जाएगा आपका द रिटर्न ऑफ बादशाही। अगला क्वेश्चन यहां पर देखो पूछा गया है आपसे, विच वाइसरॉय हैड मेड द ऑब्जर्वेशन इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड इफ इट वाजंट फॉर गांधी, किस वाइसरॉय ने अवलोकन किया था अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई खूबसूरत होती, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो, किसने यहां पर बोला था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई खूबसूरत होती। ओके, तो इसका आंसर किसी ने नहीं दिया अभी तक, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड विलिंगडन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, आरोही दो नहीं होगा, लॉर्ड बेबल नहीं,
लॉर्ड विलिंगडन ने ये कहा था। विलिंगडन ने 1933 में ये बात कही थी अपने पत्र में, अगर गांधी ना होता तो ये दुनिया वाकई खूबसूरत होती। विलिंगडन भारत में 1931 से लेकर के 36 के बीच में वाइसरॉय थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को बहुत बेरहमी से दबा दिया गया था। उनके दौर में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सविनय अवज्ञा सांप्रदायिक पुरस्कार जिसको कम्युनल वो कहा करते थे, कम्युनल जो कम्युनल आपके अवार्ड थे। पूना पैक्ट हुआ, सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये इन्हीं के समय पर आया था। और सबसे पहले लॉर्ड इरविन थे जिन्होंने लॉर्ड लिनलिथगो की जगह ली थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहां पर देखो, विच इंडियन बिजनेसमैन फेवर्ड हेल्दी कैपिटलिज्म इन हेल्पिंग गांधी जी टू वर्क टूवर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्ट। किस भारतीय व्यवसायी ने स्वस्थ पूंजीवाद का समर्थन करते हुए गांधी जी को सामान्य उद्देश्य की दिशा में काम करने में मदद की थी? घनश्याम दास बिरला, अंबालाल साराभाई, सर वीरेन मुखर्जी, टीटी के कृष्णमाचारी। ओके सत्यप्रकाश जी, बट ये वाला क्वेश्चन जो पिछला वाला था 12वां आपका गलत था, आपने बेवेल की बात करी गई थी, लेकिन उसका राइट आंसर कौन था? लॉर्ड जो थे विलिंगडन। तो इसका सही उत्तर देखेंगे, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला भारतीय व्यवसायी थे जिन्होंने स्वस्थ पूंजीवाद का समर्थन करते हुए गांधी जी को सामान्य उद्देश्य की दिशा में कार्य करने में मदद करी थी। और यहां पर देखो 3 अगस्त 1934 को बिरला ने ठाकुर दास को लिखा था कि वल्लभ भाई, राजा जी और राजेंद्र बाबू सभी साम्यवाद और समाजवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम में से कुछ जो स्वस्थ पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें गांधी जी के यथासंभव मदद करनी चाहिए और एक समान उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। ये इनके द्वारा कहा गया था, सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस नेता जिनके पास समाजवादी और साम्यवादी झुकाव था नेहरू थे, और वो समय पर किस में थे? जेल में थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहां पर, द आर्ट पीस इन मेमोरियम वॉज अ क्रिएशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पेंटर। द मेमोरियम कलाकृति निम्नलिखित यूरोपीय चित्रकारों में से किसकी रचना थी? थॉमस जॉन बार्कर, जोसेफ नोएल पैचन, थॉमस डेनियल, चार्ल्स डियोली। किसकी रचना थी आपको बताना है? इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफ नोएल पैटन। जोसेफ नोएल पैटन इज द राइट आंसर, जो इन मेमोरियम क्रिएशन किया गया था इनके द्वारा 1858 में इनके द्वारा इसको बनाया गया था, ऑयल और कैनवास से। किससे? तैल चित्रण है, तैल चित्रण मतलब ऑयल और कैनवास है। उसके अलावा यहां पर जो पेंटिंग थी, पेंटिंग ये क्या बताती थी? चित्रकारी 1857 के सिपाही विद्रोह में हमला करने वाली ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों का यहां पर क्या था? चित्रण था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहां पर देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट एज द स्पंटेनियस रेवोल्यूशन। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन को सहज क्रांति कहा है? गार्डन जॉनसन, डेविड अर्नॉल्ड, एफ जी हचिंस और पीटर रॉब। किसने कहा था ये आपको बताना है? कोई बात नहीं मिस मीनू जी, 5 रॉन्ग हो चुके हैं भाई। बाकियों के क्या हाल हैं? बाकी सारे लोग किधर हैं? सिर्फ 2-4 लोग ये अभी तो आंसर करने लग गए हैं बस, बाकी तो शायद सबको ये लग गया होगा कि हमसे ना हो पाएगा, तो चल दिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ जी हचिंस इज द राइट आंसर, जिन्होंने आपका भारत छोड़ो आंदोलन को एक सहज क्रांति कहा था। सहज क्रांति का मतलब यहां पर क्या था कि भाई इन्होंने जो ये बोल दिया था ना कि ये जो आंदोलन है अहिंसक जनसंघर्ष के रूप में शुरू हुआ था, कहीं कहीं अहिंसक नहीं था वो अलग बात है,
लेकिन परिणाम स्वरूप जो नेता थे, नेताओं को जेल भेज दिया गया था। आंदोलन वस्तुतः अगर देखें तो नेतृत्व विहीन था, लेकिन प्रभाव जो था ये जन आधारित संघर्ष का परिणाम था। तीन वस्तुओं में जो दो कथन, एक और दो यहाँ पर क्या थे आपके, तो देखेंगे तो एक नए कोड के रूप में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका सही उत्तर बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज अ सहज क्रांति। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ पर स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपसे। स्टेटमेंट पहले वाले में बोला गया है, अबुल फाजी सेड रिप्रेजेंटेड एंड आर्टिकुलेटेड द आइडियाज एसोसिएटेड विद द रीन ऑफ अकबर। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल से जुड़ी विचारों के आकार दिया, उसका प्रतिनिधित्व किया और उसकी अभिव्यक्ति की। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है, अबुल फजल द क्वालिटी ऑफ अबुल फजल इम्प्रेस्ड अकबर हु फाउंड द फॉर्मर सुटेबल एज एन एडवाइजर एंड स्पोक पर्सन फॉर हिज पॉलिसीज। अबुल फजल के गुणों ने अकबर को प्रभावित किया, जिन्होंने अपनी नीतियों के लिए सलाहकार और प्रवक्ता के रूप में पूर्व को उपयुक्त पाया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड द स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड द स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट द स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट द स्टेटमेंट टू इज ट्रू। इनका सही उत्तर क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी रीजनिंग लगाई गई है, थोड़ी सी रीजनिंग है यहां पर, है ना। अगर उसको समझ लोगे तो बिल्कुल आप इसका सही उत्तर दे सकते हो। एक तरफ देखो क्या पूछा गया, अबुल फजल सेड रिप्रेजेंट एंड आर्टिकुलेटेड द आइडिया एसोसिएटेड विद द रीन ऑफ अकबर। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल से जुड़े विचारों को आकार दिया था और उनका प्रतिनिधित्व किया था और उसकी अभिव्यक्ति की थी। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे क्या लिखा है, द क्वालिटी ऑफ अबुल फजल इंप्रेस्ड अकबर हु फाउंड द फॉर्मर सुटेबल एज एन एडवाइजर एंड स्पोक पर्सन ऑफ हिज पॉलिसी। अबुल फजल के गुणों को जो अकबर से प्रभावित हुआ था उनसे, और उन्होंने अपनी नीतियों के सलाहकार और प्रवक्ता के रूप में उसको उपयुक्त पाया था। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, कि जो पहला स्टेटमेंट है यहां पर इंडिविजुअली ट्रू है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट वन का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड द स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है आपसे, यहां पर एक स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट में बोला गया है। यहां पर देखो एनडीए और इन सब में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, अभी तो देखो यहां पर कौन तुक्का लगाएगा, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो क्या है, है ना। ये क्वेश्चन में तो मुझे आपको टाइम देना चाहिए 30 सेकंड तक का। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, द किसान मैनिफेस्टो अडॉप्टेड बाई द ऑल इंडिया किसान सभा इन अगस्त 1936 कंटेन रेडिकल डिमांड्स। अगस्त 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा अपनाए गए किसान घोषणा पत्र में कट्टरपंथी मांगे थी। स्टेटमेंट टू, द ऑल इंडिया किसान सभा वॉज पार्ट ऑफ द कांग्रेस एंड मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप विद द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस का हिस्सा थी और उसने प्रांतीय कांग्रेस समितियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा था। तो सेम चीज यहां पर है, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट द स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट द स्टेटमेंट टू इज ट्रू। क्या सही है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर देखेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। अगस्त 1936 में यहां पर लिखा है कि भाई किसान सभा ने, ऑल इंडिया किसान सभा ने क्या अडॉप्ट करा था, किसान मैनिफेस्टो को अडॉप्ट किया था, है ना। तो ये तो सही है। यहां पर देखो क्या होगा कि अगर आप इसको देखोगे ना, तो इसमें क्या आ जाएगा कि देखो जो किसान सभा है,
अगर यहां पर आप देखोगे तो इसका क्या होगा कि भाई जो दोनों स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है, इंडिविजुअली ट्रू है, बट यहाँ पर जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला इसका एक जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट वन का, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये फोर्थ वाला नहीं होगा, फोर्थ वाला यहाँ पर गलती से यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। इसमें देखो जो बोला गया है ना कि भाई किसान मैनिफेस्टो अडॉप्टेड बाई द ऑल इंडिया किसान सभा इन अगस्त 1936 कंटेन द रेडिकल डिमांड, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो अगर इन रिलेशन की बात करोगे, किसान मैनिफेस्टो की बात करोगे, तो इसमें क्या आ जाएगा कि भाई जनवरी 1936 में आयोजित मेरठ के सम्मेलन में कुछ वामपंथी जो मतलब वहां पर नेता थे, कुछ वामपंथी नेता थे, कांग्रेस दल के नेता थे, उनकी भयानक चर्चा हुई थी। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस के जो संयोजक थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण और एनजी रंगा, इनके साथ एक आयोजन समिति बनाने का फैसला किया था, ठीक है। और मेरठ के सम्मेलन में प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए अप्रैल 1936 में यहाँ पर जो पहली अखिल भारतीय किसान सभा आयोजित की गई थी, जिसमें कट्टरपंथी मांगे थी, मतलब यहाँ पर जो पहला वाला कथन है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला वाला कथन यहाँ पर इसका गलत हो जाएगा। दूसरा वाला जो कथन अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस का जो हिस्सा थी, इसके अलावा देखोगे तो कांग्रेस समाजवादी दल के नेताओं की उपस्थिति के कारण था, और यहाँ पर AIKS कांग्रेस का हिस्सा बना रहा और प्रांतीय कांग्रेस समिति प्लासी के विभाजन तक एक साथ करीबी रिश्ता बनाए रखा था। तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू हो जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ वन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखो स्टेटमेंट वन में बोला गया द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया थ्रू अ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी हेडेड बाय द इंडियन सिविल सर्विसेज हुज मेंबर वर रिक्रूटेड थ्रू मेरिट बेस्ड ऑन ओपन कॉम्पिटिशन। अंग्रेजों ने भारतीय लोक सेवा की अध्यक्षता वाली एक आधुनिक नौकरशाही के माध्यम से भारत पर शासन किया था, जिसके सदस्यों की भर्ती खुली प्रतियोगिता के आधार पर योग्यता के माध्यम से की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है द इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज बेस्ड ऑन द होल हार्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस। भारतीय लोक सेवा भारतीयों की संपूर्ण भागीदारी पर आधारित थी। Both the statement are individually true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Both the statement are individually true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Statement 1 is true but the statement 2 is false. Statement 1 is false but the statement 2 is true. क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो हो जाएगा यहां पर स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट द स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट द स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। देखो अगर आप यहां पर बात करोगे चार्टर एक्ट जो 1853 पास हुआ था और उसके बाद ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम को सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सिविल सर्वेंट्स के लिए लागू कर दिया गया था, तो इसमें अगर देखोगे आपको कि भाई लोक सेवा को भारतीयों के लिए खोल दिया गया था, मतलब पहला वाला जो कथन है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेकंड वाला स्टेटमेंट जो बोला गया है द इंडियन सिविल सर्विसेज वाज बेस्ड ऑन द होल हार्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन, होल हार्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन, तो इसमें देखोगे तो मैकाले समिति, वहां पर भारतीय सिविल सेवा समिति जिसको बोला जाता था, मैकाले समिति, मैकाले कमेटी जो कमेटी थी आपकी इंडियन सिविल सर्विसेज पर, ये अपॉइंट हुई थी 1854 में अपॉइंट करी गई थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई द आईसीएस इन 1863, 10 साल के बाद जब ये कंपटीशन ओपन होकर के शुरू हो गया था, और 1871 में सिर्फ 4 इंडियन ने ज्वाइन किया था सिविल सर्विसेज को, तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहां पर द कराची रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस इन 1931 एडवोकेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू। 1931 में कांग्रेस के कराची प्रस्ताव की वकालत की गई थी जो निम्नलिखित मुद्दों में से एक है, स्टेट शैल नॉट ओन और कंट्रोल एनी इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं करेगा, स्टेट शैल हैंड ओवर द की इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज टू द इंडियन बिजनेस ग्रुप, राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं को भारतीय व्यापार समूहों को सौंप देगा,
स्टेट शुड अलाउ द इंडियन बिजनेस ग्रुप टू इन्वेस्ट 50% ऑफ द कैपिटल, राज्य को भारतीय व्यापार समूह को 50% पूंजी लगाने की अनुमति देनी चाहिए। स्टेट शैल ओन और कंट्रोल की इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या नियंत्रण करेगा। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है क्या हो जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, आकाश यादव जी कह रहे हैं सर सिविल सर्विसेज के फादर कॉर्नवालिस है ना, तो बिल्कुल आकाश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सर्विसेज के फादर के तौर पर इनको जाना जाता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आप देखोगे राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा स्टेट शैल ओन और कंट्रोल एनी इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। क्वेश्चन आपका यहां पर यह था कि भाई कराची रेजोल्यूशन जो कांग्रेस का 1931 में हुआ था उसमें से फॉलोइंग में से क्या एक मुद्दा था, तो इसका सही उत्तर होगा स्टेट सेल ओन और कंट्रोल की इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व और नियंत्रण करेगा, ये इसका सही उत्तर था। कराची को जो सेशन था इसके हेड कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों का जो था आपका एक जो प्रोटेक्शन करना ये भी इसका एक मुद्दा था। ओके, तो ये यहां पर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा नीरज जीके जी, इसका बिल्कुल आपको पीडीएफ चाहिए क्या मिल जाएगा। क्वेश्चन यहां पर देखो सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये प्रीवियस ईयर एनडीए के क्वेश्चन है, इस तरह के ही प्रश्न आपके एनडीए के एग्जाम में आते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ डाउट, डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल, डाउट किल्स मोर ड्रीम देन फेलियर एवर विल, डाउट अगर कोई आपको है तो बिल्कुल आप यहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। Do you have any doubt? आरोही जी के only 8 सही हैं भाई, चलो जल्दी से यहां पर अपना करेक्ट अटेम्प्ट तो बता दो, करेक्ट अटेम्प्ट कितने थे आपके आउट ऑफ 20, 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मीनू जी के 7 रॉन्ग हुए हैं सर, आज 1 बजे वाला क्लास क्यों नहीं हुआ था, आज 1 बजे वाला क्लास अल्टरनेट डे पे होता है ना मोनी जी, अभी बताए तो थे कि 1 बजे वाला क्लास अल्टरनेट डे पर होता है। अंजलि कश्यप जी 1 बजे कल होगा पॉलिटी का क्लास 1 बजे, अब 15 तक कोई नहीं पहुंचा, नोबडी रीच 15, 15 तक किसी ने आंसर नहीं किए, कोई बात नहीं, इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स, इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स, इट्स द एफर्ट दैट काउंट, आप सभी ने यहाँ पर एफर्ट करा है और एज आई हैव प्रोमाइज टू यू, मैंने आपको प्रोमिस करा था कि मैं आपको एक डिजिटल चॉकलेट जरूर खिलाऊंगा एंड ऑफ द सेशन, तो मैं आपके लिए यहाँ पर डिजिटल चॉकलेट कमेंट सेक्शन में पिंग कर रहा हूं, तो यू कैन टेक फॉर यू ओनली। So everyone, please join for the digital chocolate. ठीक है, digital chocolate आपके इस comment section में आ चुकी है, तो बिल्कुल आप उसे ले सकते हैं, कोई बात नहीं, पढ़िएगा थोड़ा सा, देखो यूपीएससी का एग्जाम है तो यूपीएससी अगर एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो क्वेश्चन इसी लेवल के होते हैं और क्वेश्चन इससे भी टफ होते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। ओके, तो दिस इज इट फॉर द डे, अभी के लिए इतना ही, रात में 9 बजे अपन मिलेंगे जो अपना पॉलिटी का क्लास है उसके एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करके एटलीस्ट अपना अटेंडेंस जरूर मार्क किया करो, अटेंडेंस जरूर मार्क किया करो, सो दैट ये तो इन्फॉर्मेशन रहे कि यार डेली कितने लोग आते हैं एटलीस्ट, और उनका सिलेक्शन तो होना तय है, उनको तो हमें सिलेक्शन दिलाना ही है। ओके, तो गाइस दिस इज इट फॉर द डे, रात में 9 बजे अपन मिलेंगे पॉलिटी की क्लास के साथ कुछ जबरदस्त एमसीक्यूज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।